अभी आज अभी राइट नाउ जो हम अभी आपको ना एक जो सुपरविजन की टिप्स वो बताएंगे जहाँ हम लैग बिहाइंड करते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं करनी और कैसे करनी। तो कई बार हम बता चुके हैं कि सबसे पहले सुपरवाइजर वही है जिसको पहले तो जो उसका आंगन है, जो उसका घर है, जो उसका शॉप है, उसके बारे में सब कुछ उसे पता हो। कभी कभार नहीं भी रहता पता, ऐसा भी नहीं है कि हमें पता चीज़ें ना चल पाएँ। अगर हम चीज़ों को समझेंगे, जानना चाहेंगे तो पता चल जाएंगे। काम करने के कुछ तरीके होते हैं। एक तो होता है काम बहुत कर रहे हैं, आउटपुट कुछ निकल नहीं रही, थक गया आदमी, थक गया, ऊपर से बहुत चिल्ला रहा है, धमकी दे रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन में है। उसका रीज़न ये होता है कि आउटपुट नहीं निकल रही। आप भी फ्रस्ट्रेशन में और टेंशनाइज रहोगे क्योंकि आउटपुट नहीं निकल रही, और हम करें तो करें क्या, तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो ये रहता है एक बिखराव, और वो रहता है कि लैक ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन में सबसे पहले होता क्या है कि हमें खुद को पता नहीं रहता कि करना क्या है, कराना क्या है, कराना कैसे है। तो तीन बातें सुपरवाइजर को हमेशा याद रखनी चाहिए या ध्यान में रखनी चाहिए कि करना क्या है, कराना क्या है और कैसे कराना है। कैसे वाला जो लास्ट में आता ना, वो सारा हिस्सा प्लान्ड का, प्लानिंग का है। करना क्या है ये उसे ऊपर से प्लान मिलेगा। ऊपर से मीन्स उससे बॉस से, पीपीसी से प्लान आएगा ना, आपकी लाइन पे ही बनना है। ये पार्ट पांच पार्ट है जो आपकी लाइन पे बनने हैं। ये आएगा करना क्या है, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए करना क्या है। स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप टू करना क्या है वो तो स्टेप वन हो गया, कराना क्या है। अब कराने क्या में आपकी जो प्लानिंग है वहां स्टार्ट हो जाती है। पार्ट बनने हैं, कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, कैसे, कौन से सुपरवाइजर, कौन से ऑपरेटर को कहाँ लगाना है, कैसे रॉ मटेरियल अरेंज करना है, किस लाइन पे क्या सेटअप करना है। तो ये तो हो गया तुम्हें जो तुम्हारी इंडिविजुअल ऑपरेटर का नहीं, ये तुम्हारा हिस्सा है, ये तुम्हारा हिस्सा है कि कैसे करना है। एक प्लानिंग ऊपर से आई, पीपीसी से आपको मिल गई, उससे आया करना क्या है। आपने अपनी प्लानिंग में कि आपको करना कैसे है, करना क्या है, करना कैसे है, आपकी प्लानिंग चालू हो गई। किस मशीन पे क्या लगाना है, किसका आरएम, किसकी डाई, कौन सा ऑपरेटर, फिर कैसे कराना है, फिर ऑपरेटर का तीसरा फेज ऑपरेटर का है। अगर नेग्लिजेंसी हो रही है, क्या चीज़ें ठीक चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, तो कुल मिला के इन कामों को करने के लिए सबसे पहले प्लान देखना है। दूसरे नंबर पे जो आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो वो ठीक चल रहा है, टीम अलाइंड है कि नहीं है, कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। हम अननेसेसरी कामों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, जो ज़्यादातर हिस्सा रहता है हमारा कि हम 10 मशीनें हैं, चार बंदे हैं वहाँ फोकस नहीं कर रहा, एक बंदे उस पर फोकस कर रहा है। ब्रेकडाउंस है उसमें, टूल रूम का काम है बट हम एंगेज हैं, अपनी मशीनें छोड़े पड़े नहीं। तो सिस्टमेटिक अप्रोच पहले तो होनी चाहिए। सिस्टमेटिक अप्रोच में आपको जो इनपुट मिलता है वो सिस्टमेटिक हो और होगा, और हम कर भी रहे हैं ऐसे ही चलेगा, फिर आपका सिस्टम चालू हो जाता है कि वो सिस्टमेटिक अप्रोच को ग्राउंड में एग्जीक्यूशन कैसे करना है। एग्जीक्यूशन करने की प्लानिंग आपकी है, और आप तभी प्लान कर पाओगे जब आपको मटेरियल, जब आपको प्रोडक्ट, जब आपको मैन पावर, जब आपको 5S, सारे पहलुओं का पता हो, मेथड का, सबका पता हो, और इस चीज का पता हो कि कहाँ नुकसान हो रहा है, और इस चीज का पता हो कहाँ नुकसान होने वाला है। प्रिडिक्शन भी तेज होना चाहिए, डिडक्शन भी चेक तेज होना चाहिए, ठीक है। और तो सुपरविजन का मतलब विजन भी तेज होना चाहिए। विजन मींस हम आगे क्या करने वाले हैं, अभी क्या चल रहा है, क्या खराब हो गया, कैसे सही करेंगे, दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। अभी जो हम करते क्या है कि जैसे डाई लगा दी, आरएम नहीं आया, डाई लगा दी, फिर आरएम ला रहे हैं ना, आपकी प्लानिंग फेल है। प्लान आपको मिल गया, किसी को बोल दिया आपने डाई सेटर को टूल लगा दो, आरएम नहीं चेक करा, आरएम शॉर्ट होगा। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आउटपुट है, इनपुट है, एग्जीक्यूशन है, ये सब आपको देखना है। और
इसको जब आप देख लोगे तो ये कैसे पता चलेगा, हम सब कुछ देख रहे हैं आउटपुट से। सुपरवाइजर कुछ करे ना करे, ऑपरेटर कुछ करे ना करे, आउटपुट आपकी बता देगी आप कितने इफिशियंट। दूसरी चीज़ है कि आपको इफेक्टिव बनना है। इफिशियंट अलग चीज़ हो गई, इफेक्टिव अलग हो गई। किसी प्रोडक्ट का साइकिल टाइम एक मिनट में 5 पार्ट बनते हैं, तो एक घंटे में कितने बनेंगे? 60। तो आप 60 पार्ट बनवा रहे हो तो आप इफिशियंट हो, आप अकॉर्डिंग टू साइकिल टाइम चला रहे हो। 2 आदमी लगने हैं, मशीन लगनी है, आरएम लगना है। अब लिमिटेड रिसोर्स में आप 60 की जगह पे उसी रिसोर्स में 65 बना दिए उसी टाइम में, उतने ही टाइम में, एक घंटे में ही, तो वो तब आप इफेक्टिव हो गए। अब उस इफेक्टिवनेस के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना पड़ेगा। आपका विजन तेज होना चाहिए। आपका विजन तेज है, विजन स्टार्ट होता है। जब विजन होगा तब आप मिशन पे जाओ। मिशन से पहले विजन होता है। पहले आदमी जब स्ट्राइक करी मोदी जी ने, तो स्ट्राइक करा तो मिशन था, तो विजन तो बाद में कमरे में बैठ के सोचा होगा ना कैसे करें, करना है दूरदर्शिता, ठीक है। एग्जीक्यूशन करा, ऐसे ही आपको करना है कि मेरी मशीन ये बंद होने वाली है, आधा घंटे पहले आरएम बचा हुआ है तो इसको मैं पहले रखवा लूँ, ये मशीन खुलेगी उससे पहले मैं प्लान कर लूँ अगला क्या लगना है। ऑपरेटर ना बैठ पाए, आइडियल मशीन ना रहे, आइडियल तुम ना रहो, आइडियल मशीन ना रहे, आउटपुट आ जाएगी, तब इफेक्ट, तब कॉन्फिडेंस आएगा यार हम कर सकते हैं। अभी हम 60 पीस के 50 निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये 50-10 कम क्यों हुए उसके बारे में सोचो कि 10 कम क्यों हुए, और उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। और होता है, या तो मशीन आइडल, या ऑपरेटर ने कम निकाले, आपका ध्यान नहीं गया, या आरएम खत्म हो गया, कुछ ना कुछ हुआ गड़बड़। उस पर अपना फोकस करो। फेल होते हैं लोग, हम भी फेल होते हैं, बट इस फेल का मतलब ये नहीं है हम 60 नहीं निकल पाएंगे, 65 निकाल नहीं पाएंगे। तो 65 निकालने के लिए हमने किसी भी कंडीशन में मशीनों को बंद नहीं रखना है, और न रखने देने के लिए जो भी प्लान कर रहे हो ना, वो आपकी इसके लिए एक्सपर्टीज है, और वो एक दिन में नहीं आती, अंदर घुस के काम करना पड़ता है। घुस के मीन्स हम खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी मीन्स प्लेयर, ऑपरेटर प्लेयर है, हम भी प्लेयर हैं। हम एम्पायर या मैच देखने वाले लोग नहीं, अच्छा लग गया, चौका लग गया, ठीक है ये आउट हो गया, नहीं, हम खिलाड़ी हैं, रन बना रहे भैया, पार्ट निकलवा रहे हैं, रन बना रहे हैं, और रन रेट कम कैसे हो जाएगा हमारे रहते हुए अगर हम अच्छे बल्ले वाले तो हो सकता है, मतलब ही नहीं है। तो हम खिलाड़ी हैं, सुपरवाइजर खिलाड़ी होता है, और खिलाड़ी मीन्स एक ऐसा खिलाड़ी जो पूरी का है, पूरा सिस्टम चेंज कर सकता है भाई, आउटपुट बढ़िया निकालेगा, कंपनी का प्रॉफिट होगा, ठीक है, अपनी स्किल बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यार मैं कर सकता हूँ, और क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो हम क्या खराब कर रहे हैं, क्या हम पीछे रह जा रहे हैं, ये सोचना है। जीतना है तो रन बनाने हैं, रन बनाओगे तो जीतोगे। अब हम स्कोर बोर्ड भी तो लिखना चाहिए कि टारगेट ये है 300 पार घंटे में निकलने, निकलने भैया निकलने हैं, हमने अगर 200 मारे तो हार गए। इसके लिए स्कोर बोर्ड सामने, जब भी टीमें खेलती है ना, स्कोर बोर्ड सामने रहता 300 बनाने, अगर 6 की स्पीड से रन नहीं बनाए तो गए। बेशक सचिन तेंदुलकर विराट कोहली बने रहो, लोग जो है बोले यार क्या कोहली है, क्या किसका कोहली 300 रन नहीं बना पाया, तो आप फिनिशर हो। तो मेरा कहना यही है कि हमारा मोटो, हमारा टास्क, टारगेट अचीव करना होता है, और उसको अचीव करने के लिए जितने फेलियर है ना वो चुनौती है, और वो चुनौती अपॉर्चुनिटी है, और उस अपॉर्चुनिटी से हमें बढ़ना है, उसको एक्सेप्ट करना, उसको लेना है, नहीं मैं कर सकता हूँ, क्या दिक्कत है, फेल ही तो होंगे, फेलियर ही सिखाता है हमें। आज फेल हो गए, फिर करेंगे, कल हो गए, फिर करेंगे, इससे आदमी मजबूत होता है। और ये गारंटी की बात है, इससे तुम्हें लगेगा, जैसे ही तुम अपना एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, हम फेल होंगे। 6 सब्जेक्ट हैं, ऐसे 6 तरह के काम होते हैं आपके, रॉ मटेरियल रखवाना, प्लानिंग करना, डाई रखवाना, आरएम लाना, क्वालिटी देखना, टूलों के ब्रेकडाउन हैंडल करना, कई तरह के काम हैं। तो हो सकता है 4 में आप अच्छा काम कर रहे हो, 2-3 में फेलियर हो रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो एनालिसिस करना है, वो हमें देखना है यार हम फेल कहाँ हो रहे हैं। और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है, जिस दिन तुमने सीखना चालू कर दिया
एनालिसिस करना चालू कर दिया, अपने आप का सोचना चालू कर दिया हम पीछे कहाँ हैं। तो दुनिया की कोई सीता का आपको अच्छा इंजीनियर अच्छा सुपरवाइजर बनना रोक ही नहीं सकती, मतलब ही नहीं। छः की स्पीड से रन बनाओ तो फिर तुम ना आपका बहुत कुछ कहेगा, काहे कहेंगे बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। तो ये दिमाग में रख लो, अपने फेलियर्स से डरो मत, अपने फेलियर्स पे घबराओ मत, उन्हीं से सीखना है। तुम्हारा फेलियर तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है और तुम्हारी ताकत है, ठीक है। सही चीज तो सही बहुत लोग करवा लेंगे, 10 की आइसक्रीम का टूल लगा दिया, फर्राटा चल रहा है, ये बना लिया हमने, मार लिया मार, नहीं, जो सबसे खराब चलता है उसे सबसे ज्यादा बनाना है, बस ये दिमाग में रखना। मशीन बंद ना हो, मशीन बंद ना होने देना, यही अच्छे सुपरवाइजर की निशानी है। उसके लिए हो सकता है वो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचे, क्या करे क्या नहीं करे, वो उसकी अपनी स्किल है। 10 सुपरवाइजर कर दो एक ही पार्ट बनाने के लिए तो वो 10 तरीके से काम करेंगे, लेकिन जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करा एज पर साइकिल टाइम निकाल दिया वो ठीक है, एफिशिएंट है। जिसने इसने तो 60 निकाला 65 निकाल दिया वो इफेक्टिव है, उतने ही रिसोर्स में। ऐसा नहीं है कि एक हेल्पर लगा दिया और ज्यादा बना दिए ना, ठीक है। तो हमें इफेक्टिव सुपरवाइजर बनना है, ठीक है। बनोगे जी? बनोगे बिल्कुल। थैंक यू।